बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए कुछ थोड़ा सा चटपटा लेकर आए हैं, थोड़ा सा चेंज। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू चने, वाइट चने, आलू दही के अंदर बनाएंगे हम लोग आज। तो ये आप लोगों के लिए हम लोग स्पेशल बना रहे हैं जी। हम लोगों ने तकरीबन 1.5 किलो दही लिया। एक्चुअली हम लोग दही थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब आप आलू चने बनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी दही हो तो खाने में मज़ा आता है। तो कुछ लोग कम भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगती हो आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा, हम लोग पहले भी आपको बताया कि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाने के आदी हैं, तो हम लोग तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर भी अगर कम लगे तो ऐड कर लेते हैं। तो अब ये आप लोग अपने टेस्ट अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 टीस्पून आता है इसमें। इसलिए इसमें नमक आपने कम डालना है कि दही ऑलरेडी थोड़ी सी खट्टी होती है, तो जब उसमें नमक थोड़ा आप कम डालेंगे ना तो वो बेहतर रहता है। अगर हम लोग नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें इस तरह फील होता है वो दही खट्टी होने की वजह से कि बहुत ज़्यादा नमक आ गया है। तो ये भी आपने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही रखना है, लेकिन मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि आप इसको बिल्कुल कम डालें इसमें। अब हम लोग इसमें डालेंगे वाइट चने। तो अब हम लोग इसमें वो ऐड कर देंगे। आपने अपने हिसाब से ऐड करने हैं जितने आप लोग। अच्छा, चनों में आपने याद रखना है कि हम लोगों ने तकरीबन इसे सुबह से भी गोया हुआ था। अच्छे से भिगोकर अगर आप रख देना तो ये गलने में भी सही रहते हैं और ये फूलते भी अच्छे हैं। तो आपने इन्हें, हम लोगों ने इसे सुबह से भिगोया हुआ था चनों को। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लगा इनको अच्छे से हमने किया, तो ये अच्छे बन गए, हो गए। अब हम लोग इसमें आलू ऐड करेंगे। अच्छा, जब चना चाट बनाते हैं हम लोग तो ये है कि इसमें सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाली जाती हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है ना चना चाट में एक चीज़ है कि हम लोग ना वेजिटेबल्स में ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो आप लोगों को जो इसमें मुनासिब लगे जिस तरह की आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 से 2 अदद हम लोगों ने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और साथ में 1 से 2 प्याज। तो हम लोग इसमें सैलेड वाली चीज़ें ही डाल रहे हैं और हम लोग कम खाते हैं सैलेड वाली चीज़ें इसमें। तो आप लोग जो जो सैलेड में आप, अच्छा मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है लोग इसमें जो है ना खीरा भी ऐड करते हैं, क्यूकम्बर। तो अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं बंद गोभी। तो ये आपको जितनी सही लगे, बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक मुझे लगता है इसमें सिर्फ आपको जो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा वो इसे चीज़ों को सिर्फ कटिंग करने के लिए। बाकी ये देखें झटपट जल्दी से तैयार हो गई है, आप मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। इसे आप घर में बच्चों के लिए बनाकर थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए आई थिंक ये स्टोर हो जाती है, 1-2 दिन के लिए आप लोग इसे रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। एक सबसे अच्छी बात है कि ये साफ़ सुथरी है, बाज़ार से लाई हुई चीज़ों से बेहतर है। क्योंकि जब हम लोग बाज़ार से ला कर खाते हैं तो किस तरह की चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, क्या किया जाता है, उससे बेहतर है कि आप इसे बनाकर घर में खुद खाएं। अच्छा, अगर इसे हम अभी फ़ौरन खाना चाहें तो अभी की ये आई थिंक ये रेडी है, आप इसे खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इसे अभी खाएं नहीं, आप इसे 1 घंटे के लिए भी अगर चाट को छोड़ देंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। क्योंकि इसके अंदर जितनी वो दही है जो इसके अंदर तमाम चीज़ों के अंदर वो जज़ब हो जाती है और इसका टेस्ट जो है वो अलग-अलग हट कर आता है जी। ये देखिए हमारी चना चाट बनकर तैयार है, बहुत मज़ेदार यमी सी है जी। स्पेशली हमारी तरफ से हमारे व्यूवर्स और ख़ास करके व्यूवर्स के लिए भी है और उनके बच्चों के लिए भी ये ख़ास है। और आप इसे बिल्कुल लाइट सा रखकर बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आप खुद खाना चाहते हैं तो इसमें जो है आप लोग थोड़े से स्पाइसी, आप लोग ग्रीन चिली जो मिर्ची हैं सबज़ वो भी आप इसमें ऐड करें तो और इनका टेस्ट आता है। तो ये ले हमारी एक बिल्कुल लाइट सी और जल्दी से तैयार होने वाली हमारी रेसिपी रेडी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है आज की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।
खुदा हाफिज़, शुक्रिया।